हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनीता एंड वेलकम टू विनीताज किचन। फ्रेंड्स, आलू को काट के फ्राई करना तो बहुत ही सिंपल होता है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रेंच फ्राइज की एक स्पेशल रेसिपी, जिसमें फ्रेंच फ्राइज बाहर से एकदम क्रिस्पी बनेगा और अंदर से एकदम फ्लफी बनेगा। इनको बनाना बहुत ही आसान होता है और ये बच्चों के बहुत ही फेवरेट होते हैं, तो मैं इनको शाम के नाश्ते के साथ या अक्सर टिफिन बॉक्स में भी बच्चों को देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं मिलकर मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज। आप यहां पर किसी भी किस्म के आलू ले सकते हैं, पर आलू जितना पुराना होगा उतने ही अच्छे फ्राइज हमारे बनेंगे। मैंने यहां पर चार बड़े साइज के आलू लिए हैं, तो पहले हम इनका छिलका उतार लेते हैं पिलर की हेल्प से। फ्रेंच फ्राइज काटने के लिए मार्केट में बहुत सारे कटर या डाइसर मिलते हैं, आप इन्हें ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। तो हम आलू के फ्रेंच फ्राइज नाइफ की हेल्प से भी काटेंगे और डाइसर की हेल्प से भी काटेंगे। तो मेरे पास है यहां पर इस तरह का एक डाइसर और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हो। तो हम आलू को छीलने के बाद इस कटर के ऊपर इस तरह से रख देंगे और इसका ऊपर वाला ढक्कन ऊपर से फिर प्रेस करेंगे। जब भी मैं फ्रेंच फ्राइज बनाती हूँ, आलू को दोनों ही तरीकों से चॉप करती हूँ। इसे नाइफ से भी काटती हूँ, डाइसर से भी काट लेती हूँ। तो आलू को हमने डाइसर की हेल्प से कट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि आलू एकदम एक जैसे कट हुए हैं। तो अब हम आलू को नाइफ की हेल्प से भी चॉप कर लेंगे इस तरह से। तो सारे आलूओं को हमने चॉप कर लिया है, अब हमें एक बाउल में निकाल लेंगे और इसने कम से कम 3 से 4 बार हमें धोना है। ये धोने वाली प्रोसेस आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें इनका स्टार्च निकालना है। तो हमने यहाँ आलूओं को 4 से 5 बार पानी बदल कर अच्छे से धो लिया है। हमने इन आलूओं को अच्छे से धो लिया है, पर अभी पूरी तरह से इनका स्टार्च नहीं निकला है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बर्तन और उसमें पानी, और इसी के साथ हम इसमें डाल रहे हैं 4 टीस्पून सॉल्ट। तो फ्रेंड्स, पानी हमें बिल्कुल भी नहीं उबालना है, और बीच बीच में आप अपनी उंगली डालकर चेक कर लेना। जब आप उंगली डालो और रख ना पाओ तो मतलब पानी एकदम रेडी है। तो करीब हमें 3 से 4 मिनट तक पानी को गर्म करना है। सारे आलूओं को हमने पानी में डाल दिया है और इसे बीच बीच में चम्मच से चलाते रहना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पानी को हमें सिर्फ 75 डिग्री तक ही बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। ये स्टेप में हम आलूओं में जो एक्स्ट्रा स्टार्च है और चीनी है वो निकाल रहे हैं, तो ये स्टेप करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जब पानी इतना गर्म हो जाए कि हम उंगली ना रख पाएँ, तो उस टाइम गैस की फ्लेम को हमें लो कर देना है और इन आलूओं को 10 मिनट तक लो फ्लेम में ऐसे ही रखना है। लेकिन हमें अभी आलूओं को कुक नहीं करना है। तो 10 मिनट के बाद हम इन आलूओं को छन्नी से निकाल लेंगे और एक दूसरे बर्तन में इन्हें खाली कर लेंगे। 10 मिनट तक लो फ्लेम पर रखने के बाद आलू अब बिल्कुल तैयार हैं और जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च था वो अब इसमें से निकल चुका है। और अब हम फिर से एक बर्तन में पानी लेंगे और उसे गर्म कर लेंगे, और इस पानी में हमें नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। पानी अब गर्म हो चुका है तो हम आलू को इसमें डाल देंगे। इस स्टेप में हमें आलू को 5 से 6 मिनट तक ही पकाना है, मतलब इतना कुक करना है कि आलू को थोड़ा सा टेढ़ा करें तो वो टूट जाए। इस स्टेप में गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है, लो नहीं रखना है, और बीच बीच में थोड़ा स्पैचुला से भी चलाते रहिएगा, नहीं तो आलू नीचे से ज़्यादा पक जाएंगे। ये स्टेप में हम आलू को सॉफ्ट कर रहे हैं, ऐसा करने से फ्रेंच फ्राइज अंदर से सॉफ्ट फ्लफी रहेगी और बाहर से एकदम क्रिस्पी रहेगी। 5 से 6 मिनट तक पकाने के बाद अब आलू एकदम तैयार है, तो हम इसका पानी छान लेंगे। इन आलूओं को अब हम एक कॉटन के कपड़े पर फैला देंगे और अब हमें इन आलूओं को सुखाना है। तो इन्हें हम 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख देंगे, आप चाहें तो इन्हें धूप में भी सुखा सकते हैं। इन आलूओं में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इससे क्या होगा कि हमारे फ्रेंच फ्राइज एकदम क्रिस्पी बनेंगे। अगर आलू ठीक तरह से सूखते नहीं हैं तो फ्रेंच फ्राइज ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आलू में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो आलूओं को हमने 1 घंटे तक पंखे के नीचे सुखा लिया अच्छी तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि इसमें अब बिल्कुल भी पानी नहीं है और अब ये रेडी हैं। तो हम इनको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पैन में ऑयल लिया है और उसे हमने गर्म कर लिया है, तो अब हम इसमें ये आलू को डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हमें फ्राई करना है, जब तक ये थोड़े से क्रिस्पी ना हो जाए। तो इन्हें लोग हमें 5 मिनट तक ही फ्राई करना है, लेकिन अभी हमें इन्हें पूरे तरीके से फ्राई नहीं करना है। तो हमने इन आलूओं को 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है, अब हम इन्हें तेल में से छान लेंगे और एक प्लेट में फैला लेंगे।
और इसी तरह से हम बाकी के आलू को भी फ्राई कर लेंगे ऑयल में 5 मिनट तक। और 5 मिनट फ्राई करने के बाद हम इन्हें भी निकाल लेंगे एक प्लेट में और फैलाकर इन्हें ठंडा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारे आलूओं को हमने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है और अब हम इन्हें एक प्लेट में फैला रहे हैं। और अब हम इस ट्रे को फ्रीजर में रख देंगे 5 से 6 घंटे के लिए और इन्हें फ्रीज कर लेंगे। ये आलूओं को फ्रीज करने से इनका एक्स्ट्रा मॉइस्चर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, 5 से 6 घंटे तक हमने इन्हें अच्छे से फ्रीज कर लिया है और ये फ्रीज हो चुकी हैं, तो हम इन्हें फ्रीजर से अब बाहर निकाल लेंगे। आलू के ये जो फ्राइज हमने रेडी किए हैं, इन्हें हम साल भर तक फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आपका खाने का मन हो तो आप इन्हें निकाल कर तुरंत इन्हें फ्राई भी कर सकते हो। जब भी हम फ्रीजर से निकाल कर किसी चीज़ को फ्राई करते हैं तो वो काफ़ी क्रिस्पी हो जाती है। तो आलू अच्छे से फ्रीज हो चुके हैं और अब हम इन्हें फटाफट से गर्म तेल में फ्राई कर लेंगे। तो हमने ऑयल को फिर से गर्म कर लिया है और अब हम ये फ्रीज किए हुए फ्राइज इस गर्म तेल में डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि फ्राइज हल्के से गोल्डन होने लगे हैं, तो हम इन्हें ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे। तो आलू के फ्राइज एकदम रेडी हैं। अब इन्हें थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च। आप चाहें तो इसे प्लेन भी खा सकते हैं, पर थोड़ा सा मसाला डालने पर इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। ये सब डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्रेंच फ्राइज अंदर से काफ़ी फ्लफी और सॉफ्ट बनी है और ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा बच्चों की फेवरेट फ्रेंच फ्राइज की ये रेसिपी। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक लेटे केयर एंड बाय बाय।